हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है व्हाट इज बिग डाटा। बिग डाटा को समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि डाटा क्या चीज़ है। डाटा कुछ भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है और कोई इमेजेस भी हो सकती है। जैसे कि हमने कोई फ़ोटो को क्लिक किया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, वो क्या है? एक डाटा। हमने कोई वीडियो बनाई और उसे यूट्यूब पर अपलोड की, वो भी क्या है? डाटा। हमने कोई आर्टिकल लिखा है, वो भी क्या है? एक डाटा। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि डाटा क्या चीज़ होती है। फिर इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन होती है कि उस डाटा में से जो सा वैल्यूएबल डाटा है उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फेसबुक के हमने अपना पूरा डाटा डाला हुआ है कि हमारा नाम ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमें ये पसंद है। ठीक है, उसकी हेल्प से फेसबुक का एल्गोरिथम क्या करता है, उसमें से वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उस हिसाब से हमें एड्स शो कराता है। जैसे कि हमने इस लोगों को फॉलो किया हुआ है, ये पेज हमें पसंद है, हमें उनको भी फॉलो किया हुआ है, उस हिसाब से फेसबुक हमें ऐड दिखाता है ताकि हम उसके कोई भी प्रोडक्ट को खरीद लें। अब हमें पता लग गया कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन से ये डिफरेंट कैसे होता है। अब बात करते हैं बिग डाटा क्या होता है। बिग, बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, जेटाबाइट्स में डाटा, उसे हम कहेंगे बिग डाटा। जिसमें बहुत वेराइटी ऑफ डाटा होगा, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो, सब कुछ है, उसे हम कहेंगे बिग डाटा। अब बिग डाटा तो पता लग गया, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बिग डाटा कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ बिग डाटा में आता है, पहला होता है स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा और सेमी स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा में आ गया, जैसे कि एक रूम है, सिंपल एग्जांपल है, एक रूम है जिसमें हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर पड़ी है, उसे क्या कहेंगे हम? स्ट्रक्चर डाटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा रिलेशनल डाटा होता है। दूसरा आता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे कि एक रूम है, उसमें कोई भी चीज़ अपनी अपनी जगह पर नहीं पड़ी, तो वो क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। एग्जांपल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेजेस, वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। थर्ड टाइप है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं और कुछ कुछ चीज़ें नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि CSV फाइल, XML फाइल, ये किसकी एग्जाम्पल होगी? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की। अब हमें पता लग गया कि डाटा क्या होता है, बिग डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और बिग डाटा की टाइप्स क्या हैं। अब बात करते हैं कि किस डाटा को हम बिग डाटा कहेंगे। उसके कुछ फीचर्स भी तो होंगे कि जिसे देखकर हम कहें कि ये एक बिग डाटा है। ये एक्चुअली 3 V's होते हैं जिससे हम देखकर कह सकते हैं ये एक बिग डाटा है। वैसे तो बहुत सारे V's होते हैं, पर 3 V's मेन होते हैं। फर्स्ट V कहता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स कि कितनी स्पीड से हम डाटा को अपलोड कर रहे हैं। मीन्स जैसे इंस्टाग्राम की एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम पर टर्न्स ऑफ टर्न्स या फिर लाखों में फोटोज अपलोड होती हैं इन 1 मिनट और 1 सेकंड। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। दूसरा होता है वॉल्यूम, कि कितना ज़्यादा डाटा है, जितना ज़्यादा डाटा होगा उसे वो किसके अंदर आएगा? बिग डाटा के अंदर। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है वेराइटी। वेराइटी मतलब कि बहुत सारा डाटा जिसमें मिक्स डाटा है, ऑडियो भी फाइल है, उसमें टेक्स्ट फाइल भी है, उसमें वीडियो भी है, सब कुछ मिक्स है, उसे क्या कहेंगे हम? बिग डाटा, जिसमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ डाटा हो। अब दोस्तों, मुझे पता आपको पता लग गया होगा कि डाटा क्या है, बिग डाटा क्या है, बिग डाटा की टाइप क्या है और फीचर्स ऑफ बिग डाटा क्या है। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आगे यदि कोई भी आपसे पूछ ले कि डाटा क्या होता है या फिर बिग डाटा क्या होता है या फिर इंफॉर्मेशन क्या होता है, आप इजीली आंसर उसका दे सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।